अररिया में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग जारी है और वोटिंग को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरबा मध्य विद्यालय की बूथ नंबर 227 पर वोटरों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तो वोटरों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया के बूथ नंबर 227 पर मौजूद है ककोरबा मध्य विद्यालय और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वोटरों में कितना उत्साह है और लंबी कतार जो है वो आपको नजर आ रही होगी। हम बता दें कि सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो कुछ स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे वोटर संवाददाता से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि किस मुद्दे पर जो है वोट होगा और कैसा नेता होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, और तो वोट यहाँ बहुत अच्छा शांतिपूर्वक हो रहा है। लोकसभा इलेक्शन में थी तो वोटिंग परसेंटेज होना तो चाहिए, कितना होगा? आप युवा है, ये बताइए कि किस मुद्दे पर जो है वोट कास्ट जो है, जो बुनियादी मुद्दे हैं जो हमेशा होने चाहिए, वो मुद्दा इस बार भी होना चाहिए। जैसे जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है और जो बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सड़कें हैं, जो अपना इलाका है वो बेसिकली सैलाब का इलाका है, वो भी एक मुद्दा होना चाहिए। कितना मुद्दा अफेक्टेड हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये मुद्दे हैं जो होने चाहिए। क्या नाम है आपका? अफ्फा नहीं लगा। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि जो मतदाता है लगातार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज 18, अररिया। तो देखिए, ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया और कह रहे हैं कि भाई हमें इस बात की समझ है, हम जान रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों के साथ और उसमें देश का विकास, देश को मजबूत करना, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है और इसीलिए उसी ध्येय को रखते हुए आज हम अपने वोट को कास्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनसे ये अपील जरूर वो भी करते नजर आए कि भाई आपका सबसे बड़ा दायित्व, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य जो है आज है पोलिंग बूथों पर जाकर अपने वोट को कास्ट करना। और इसीलिए आज आप कोई बहानेबाजी मत कीजिए, सबसे पहले जाइए वोट कास्ट कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपके देश को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या नजर डाल लेते हैं इसमें।